टुडे आवर टॉपिक इज विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे क्या है, क्यों ज़रूरी है आई में? विजुअल पाथवे वो पाथवे है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक आई कैसे इमेज परसीव करती है और कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, एक पर्सन कैसे इमेज देख सकता है। तो वो जो पाथवे होता है ब्रेन तक ले जाता है, उस पाथवे को आज हम डिस्कस करेंगे। विजुअल पाथवे में कौन से आई के पार्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहले तो जब कोई चीज़ देखते हैं तो वो लाइट कुछ या कोई इमेज देख रहे होते हैं तो वो रेटना पे फॉल करती है। रेटना पे फॉल करती है तो हमारी बॉडी में थ्री टाइप ऑफ आर्डर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि जो भी कोई सेंसेशन हो तो वो इन तीन आर्डर न्यूरॉन्स, जो थ्री आर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ज़रिए ब्रेन तक जाते हैं। सेम आई में भी ऐसा ही होता है कि इसमें भी थ्री आर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। रेटना में जो बायपोलर सेल्स होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन्स, और जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं जो नर्व फाइबर लेयर्स, जो ऑप्टिक नर्व की तरफ फाइबर लेयर्स जा रहे होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, वो सेकेंड आर्डर न्यूरॉन बनाते हैं। और ऑप्टिक नर्व से लेके ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, विजुअल कॉर्टिक्स तक जो भी होता है उसको हम थर्ड आर्डर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसी तरह ये तीनों जो आर्डर न्यूरॉन्स होते हैं ये इमेज को ब्रेन तक ले जाते हैं। अब हम विजुअल कॉर्टिक्स में जब बात करते हैं, सबसे पहले जब इमेज रेटना पे आती है तो इमेज या लाइट परसीव होती है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मीन जो भी सिग्नल आते हैं उसको चेंज करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में यहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो चेंज करते हैं, तो ये ब्रेन तक जाते हैं। सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। रेटना की 10 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर आरपी होती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम, और दूसरी न्यूरोसेंसरी रेटना लेयर्स होती है जो फर्दर डिवाइड की जाती हैं। तो जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, नर्व फाइबर लेयर्स, ये सारी जो होती हैं ये न्यूरोसेंसरी रेटना बनाती हैं। सिग्नल रेटना से फिर जाते हैं ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व को फिर डिवाइड किया गया है इंट्रा ऑर्बिटल पोर्शन, इंट्रा कनेलिकुलर पोर्शन और इंट्रा क्रैनियल पोर्शन। जो इंट्रा ऑर्बिटल पोर्शन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑर्बिट जो जिसमें आई होती है, ऑर्बिट में जो पोर्शन होता है ऑप्टिक नर्व का उसको ऑर्बिटल पोर्शन कहते हैं। और जो इंट्रा कैनेलिकुलर होता है वो पोर्शन होता है लेसर विंग ऑफ सफिनॉइड, बॉडी ऑफ सफिनॉइड जो होती है, जो कि बोन ऑर्बिट की बोन में पार्ट लेती है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व का होता है इंट्रा क्रैनियल, जो कि ब्रेन में हो रहा होता है। अब वहाँ से ऑप्टिक नर्व, दोनों आई से ऑप्टिक नर्व जब आती हैं तो वो एक जगह पे क्रॉस करती हैं। इस क्रॉसिंग एरिया को हम कहते हैं ऑप्टिक क्याज्मा, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व वहाँ दोनों आई से आ रही होती हैं ब्रेन में, तो वहाँ पे एक डिकुसेशन होती है, वहाँ पे क्रॉसिंग होती है, उस क्रॉसिंग एरिया को कहते हैं हम ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा की हम जब हम रिलेशन की बात करते हैं कि ऑप्टिक क्याज्मा के साथ कौन कौन से ब्रेन के पार्ट होते हैं जो इसके साथ रिलेटेड होते हैं, कौन सा इंटीरियर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर, लेटरल प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक क्याज्मा के साथ। इस पिक में, इस डायग्राम में जो कि सेजिटल सेक्शन लिया गया है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ऑप्टिक क्याज्मा है। ऑप्टिक क्याज्मा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑप्टिक क्याज्मा जो होता है थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, इसी थर्ड वेंट्रिकल्स के साथ ऑप्टिक क्याज्मा प्रेजेंट होता है। तो इसकी इंटीरियर वाल जिसे लेमिनार टर्मिनेलिस भी कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल की इंटीरियर वाल, और फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल का रिलेशन होता है ऑप्टिक क्याज्मा के साथ। और ऑप्टिक क्याज्मा के रिलेशनशिप में अब ये देखें,
इंटीरियरली ये लेमिना टर्मिनलिस के साथ होता है, और इसके साथ ही यहाँ पे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होते हैं। और जब हम बात करते हैं लेटरल साइड की, तो लेटरल साइड पे इंटरनल, इसकी लेटरल साइड पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। यही सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई भी करती हैं। लेमिना टर्मिनलिस जो कि इंटीरियर पार्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल का, वो इसके सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, और उसके पोस्टीरियर साइड पे ट्यूबर सेनेरियम प्रेजेंट होता है। ऑप्टिक कियास्मा के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी बड़ा होता है। अगर कोई भी ट्यूमर हो, पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो या कोई और अबनॉर्मेलिटी हो पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो उसकी वजह से ऑप्टिक कियास्मा में भी चेंजेस आ जाती हैं, इसके एनाटॉमिकल वेरिएशंस हो जाती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी ज़रूरी होता है इसमें, कि हम जब भी रूल आउट करें कि ऑप्टिक कियास्मा में कोई चेंजेस आई हैं, क्योंकि यहाँ से जो ऑप्टिक कियास्मा में जा रहे होते हैं वो नेज़ल फेबर्स आई के जा रहे होते हैं। तो अगर नेज़ल फेबर डिफेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि कियास्मा के लेवल पे डिफेक्ट है, और इसके रीज़न ये भी हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है या कोई और अबनॉर्मेलिटी है। जब हम विजुअल फील्ड और रेटिनल क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो विजुअल फील्ड जो होती है वो अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल, जो टेम्पोरल साइड होता है वो लेटरल को करता है, और जो नेज़ल साइड होता है, जो टेम्पोरल साइड होता है वो नेज़ल को करता है, और जो नेज़ल होता है वो टेम्पोरल को करता है। सेम इसी तरह ये टेम्पोरल जो होता है नेज़ल को करता है, और ये नेज़ल टेम्पोरल को करता है। और यही जो फाइबर्स होते हैं, नेज़ल फाइबर्स होते हैं रेटना के, ये डेकुसेट होते हैं। ये जो पार्ट होता है ये कियास्मा होता है, यहाँ पे जहाँ पे डेकुसेशन, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। अगर यहाँ पे कियास्मा के लेवल पे डैमेज होगा तो उसकी वजह से कौन सा फील्ड डिफेक्ट होगा, बायटेम्पोरल हेमियनोपिया होगा। बायटेम्पोरल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से नेज़ल फाइबर्स क्रॉस कर रहे होते हैं, और नेज़ल फाइबर्स जो कंट्रोल करते हैं वो टेम्पोरल फील्ड को कंट्रोल करते हैं। अपोजिट होता है रेटना और फील्ड जो होती है, विजुअल फील्ड रेटना के क्वाड्रेंट और विजुअल फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर नेज़ल फाइबर जा रहे हैं तो वो टेम्पोरल को जा रहे हैं, अगर टेम्पोरल जा रहे हों तो वो नेज़ल फील्ड होगी। ऑप्टिक नर्व के बाद, ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियास्मा, उसके बाद आता है ऑप्टिक ट्रैक, जहाँ से ये फाइबर्स जा रहे होते हैं। एक का टेम्पोरल हाफ जा रहा होता है, क्वाड्रेंट जा रहा होता है, और दूसरे का नेज़ल हाफ जा रहा होता है। तो ये ऑप्टिक ट्रैक होता है, यहाँ से फाइबर्स जाते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अगर हम रिलेशन देखें तो ये किसके साथ प्रेजेंट होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी थैलमस के साथ ही होती है, थैलमस के साथ ही, और इससे कुछ फाइबर्स सुपीरियर कॉलिकुलस में जाते हैं। ये क्या होता है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस, ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और ये थैलमस। तो सुपीरियर कॉलिकुलस कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, जहाँ से ये फाइबर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से सुपीरियर कॉलिकुलस में प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में जाते हैं। तो ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है, सुपीरियर कॉलिकुलस मिड ब्रेन में होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इसके साथ ही अटैच होती है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग ये है कि जो इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं वो 1 मिलियन होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक ट्रैक के सेम होती है। मतलब तीनों में 1 मिलियन फाइबर्स होते हैं, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि तीनों सेम नर्व फाइबर्स रखते हैं, 1 मिलियन होते हैं तीनों में।
लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद आते हैं ऑप्टिक रेडिएशन, देन विजुअल कॉर्टिक्स. विजुअल कॉर्टिक्स ब्रॉडमैन एरिया 17 प्राइमरी एरिया एंड ब्रॉडमैन एरिया सेकेंडरी एरिया 18 प्रेजेंट होते हैं इसमें. अब हम करते हैं ऑप्टिक रेडिएशन. ऑप्टिक रेडिएशन क्या होती है? जब हम ऑप्टिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो ऑप्टिक रेडिएशन नर्व फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज के लेमिना से ओरिजिनेट होते हैं. नर्व फाइबर्स जो फाइबर्स लेटरली लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज से आते हैं वो एक बना देते हैं मर्ज ऑफ लूप जो कि इन्फीरियर क्वाड्रेंट ऑफ रेटना को कंट्रोल करते हैं. अगर मेयर्स ऑफ लूप इन्फीरियर क्वाड्रेंट को करते हैं रेटना के, नॉट विजुअल फील्ड. विजुअल फील्ड का वो सुपीरियर क्वाड्रेंट होगा, सुपीरियर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट होगा. अब जो उसके मीडियल एस्पेक्ट से आते हैं वो जो होता है वो सुपीरियर क्वाड्रेंट रेटना के कंट्रोल करते हैं. जो ऑप्टिक रेडिएशंस जो फाइबर्स आ रहे होते हैं ये दो तरह के होते हैं. एक लेटरल होता है जो मेयर्स ऑफ लूप बनाते हैं और दूसरा मीडियल एस्पेक्ट होता है जो कि सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द रेटना को कंट्रोल करते हैं. और इसके बाद ऑप्टिक रेडिएशन जाते हैं विजुअल कॉर्टिक्स एरिया में. विजुअल कॉर्टिक्स एरिया ब्रॉडमैन एरिया 17 एंड ब्रॉडमैन एरिया 18 प्राइमरी जो होता है वो 17 होता है और जो सेकेंडरी होता है ब्रॉडमैन एरिया 18 होता है. प्राइमरी जो होता है वहाँ पे इमेज की जो सिग्नल्स होते हैं वो परसीव होते हैं और तो वो इंटरप्रेट करता है सेकेंडरी में. सेकेंडरी फिर उसको प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान इंटरप्रिटेशन होती है इमेज की जो कि हमें फाइनल विजन या इमेज हमें परसीव होती है. फाइनल जो इमेज हम देख रहे होते हैं स्पेस में वो हमें नज़र आ रही होती है. तो विजुअल कॉर्टिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विजुअल कॉर्टिक्स प्रेजेंट होता है डीप कैलकराइन सल्कस. डीप कैलकराइन सल्कस के साथ ही प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रॉडमैन एरिया प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद अगर हम बात करते हैं विजुअल डिफेक्ट्स की. विजुअल डिफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जो टेम्पोरल होता है रेटना वो नेजल साइड को करता है और जो नेजल होता है वो टेम्पोरल फील्ड को कंट्रोल करता है. तो ये उसके अपोजिट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे डैमेज आ जाता है, यहाँ पे डैमेज हुआ ऑप्टिक नर्व के लेवल पे, तो वो अनोपिया है. अनोपिया मीन एब्सेंस ऑफ विजन. विजन ही नहीं है कि आँख पूरी ख़त्म हो गई है, उसमें डैमेज आ गया है. उसके बाद अगर आ जाता है यहाँ पे इस लेवल पे डैमेज ऑप्टिक के आज़मा के लेवल पे, यहाँ पे कौन से फाइबर्स आ रहे थे? नेजल फाइबर्स आ रहे थे रेटना के. ये देखिए ये फाइबर्स आ रहे हैं नेजल फाइबर्स आ रहे हैं रेटना के. तो जो नेजल फाइबर्स हैं वो टेम्पोरल क्वाड्रेंट को कंट्रोल करते हैं, टेम्पोरल विजुअल फील्ड को कंट्रोल करते हैं. तो इसीलिए जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा वो बाय टेम्पोरल हेमियनोपिया होगा. हेमियनोपिया हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हाफ फील्ड डिफेक्ट है. अब ये देखें इसका ये हाफ फील्ड डिफेक्ट होगा टेम्पोरल. ये यहाँ पे विजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी विजन प्रेजेंट है, उसके नेजल साइड पे विजन है, टेम्पोरल साइड पे नहीं है. बाय टेम्पोरल हेमियनोपिया होगा विजुअल फील्ड डिफेक्ट का. और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्यास्मा के लेवल पे होगा और नेजल फाइबर्स जा रहे होते हैं. और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आ रहा है एक टेम्पोरल फाइबर और दूसरा कौन सा आ रहा है इस आंख का, सेम इप्सीलेटरल टेम्पोरल क्वाड्रेंट और कॉन्ट्रालेटरल का जो आई का होता है वो नेजल क्वाड्रेंट यहाँ से पास कर रहे हैं. तो यहाँ पे हेमियनोपिया तो होगा क्योंकि एक का टेम्पोरल और एक का टेम्पोरल क्वाड्रेंट और एक का नेजल क्वाड्रेंट डिफेक्ट हुआ. लेकिन उसमें एक का अगर टेम्पोरल हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका टेम्पोरल हुआ है, तो इसका इस आँख का नेजल डिफेक्ट होगा और इसका नेजल डिफेक्ट हुआ है तो इसका टेम्पोरल क्वाड्रेंट टेम्पोरल विजुअल फील्ड उसकी लॉस होगी.
अब नेक्स्ट जब हम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये जो दो फाइबर्स आ रहे होते हैं उनमें अगर हो तो ये सेम बाय होमोनाइमस हेमियनोपिया होगा। होमोनाइमस मतलब एक साइड पे डिफेक्ट हुआ, अगर यहाँ पे ये लेवल इस लेवल पे यहाँ पे हुआ और यहाँ पे भी हुआ, ये दोनों, ये था क्वाड्रेंट, टेम्पोरल क्वाड्रेंट था और ये भी टेम्पोरल क्वाड्रेंट था, तो इसमें होगा बाई ये टेम्पोरल नेज़ल को फील को करता है और ये टेम्पोरल भी नेज़ल को करता है, तो यहाँ पे बाई नेज़ल हिट्रोनाइमस हेमियनोपिया होगा। हिट्रोनाइमस मीन अपोजिट साइड पे हुआ है, अगर एक ही ट्रैक पे हो जाते हैं एक साइड पे तो ये हम इसको होमोनाइमस कहेंगे। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के लेवल पे होगा तो ये दोनों फाइबर्स जा रहे होते हैं, वही डिफेक्ट होगा। अब हमने कहा था मेयर्स लूप जो होते हैं वो सुपीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट को कंट्रोल करते हैं आई के, तो इसकी वजह से सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया होगा सुपीरियर, क्योंकि ये मेयर्स ऑफ लूप जो होते हैं इन्फीरियर क्वाड्रेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर इस जगह पे डिफेक्ट होगा तो ये सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया होगा। अगर हम बात करें अगर जो मीडियल एस्पेक्ट से उसके आ रहे थे फाइबर्स आ रहे थे वहाँ पे डिफेक्ट होगा तो वो सुपीरियर क्वाड्रेंट को कंट्रोल करते हैं रेटना के, तो इसकी वजह से इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया होगा। ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आई में। अगर हम पेशेंट आके हमें कंप्लेन करता है इस तरह के कि हमें इस साइड से नहीं नज़र आ रहा, तो इस साइड से नहीं नज़र, तो हम कहेंगे कि विजुअल पाथवे में कौन से फाइबर्स में कौन से रेटना के क्वाड्रेंट में डिफेक्ट प्रेजेंट होता है।